अभी जब शहीद जगदीप बाबू के सवाल पर विस्तृत तौर पर संवाददाताओं को आप लोगों को इन्होंने बताया अपने कार्यक्रम के बारे में, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी के कार्यक्रम के भी सवाल हैं। चार जिला समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी और मुजफ्फरपुर, पहले दो दिन हर जिले में प्रवास करेंगे। एक कार्यक्रम थोड़ा अलग हट करके पंचायत स्तर के लोग, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, प्रखंड के पदाधिकारी हैं, प्रखंड के अध्यक्ष हैं, जिला के पदाधिकारी हैं, विभिन्न प्रकोष्ठ के लोग हैं, सबसे सीधा संवाद करेंगे। रास्ते में जाने के क्रम में जो लोग इनकी अगवानी करेंगे वो एक अलग हिस्सा होगा, कोई रैली का आकार नहीं दिया गया है। और इस पूरे कार्यक्रम में दो दिन का जब प्रवास होगा एक जिले में, तो जो जिले के तमाम नेता हैं कई तरह के, सब लोगों से मुलाकात भी करेंगे, लेकिन जो कार्यक्रम होगा वो विशुद्ध रूप से पंचायत से लेकर के जिला स्तर के सभी कार्यकर्ता से सीधा संबंध होगा। बड़े जिले हैं समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी और मुजफ्फरपुर, तो 10-11 समस्तीपुर है, तुरंत जो है 12-13 दरभंगा है, फिर आपको 13 की रात को वहां से 14 और 15 आपको मधुबनी है, और 16 और 17 को फिर करके वो लौट आना है। तो सारे हमारे कार्यक्रम है। दशहरा के बाद दूसरे चरणों का ऐलान करेंगे। हम लोगों ने 5 जिला 6 जिला कर करके एक एक चीजों पर पार्टी संगठन काम कर रही है, और उसको ध्यान में रख कर करके इन 4 जिलों को प्रथम पेज में हम लोगों ने, बड़ा जिला होने के कारण पार्टी ने यह निर्णय लिया है। सारे कार्यक्रम आदरणीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में, और आपने देखा कल के जाति आधारित गणना कराने और 65% आरक्षण के दायरा के बढ़ाने के सवाल पर नौवीं अनुसूची में शामिल करने को लेकर के जो राज्य व्यापी जिला मुख्यालयों पर धरना हुआ, उसके असर अब अखबारों में देख सकते हैं। अखबार में इसलिए कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसलिए कह सकते हैं, प्रिंट मीडिया में इसलिए कह सकते हैं कि तेजस्वी जी के इस बयान ने विपक्षों की रात की नींद हराम कर दी। हर एक व्यक्ति अखबार का एक कॉलम लेके बैठा है, भाजपा का 4 नेता लेकर बैठा है, जदयू का 5 नेता लेकर के बैठा है, एक तेजस्वी सब पे भारी। एक तेजस्वी जी के सवाल जो जनहित में है, आम हित में है, और ये डिप्टी सीएम कौन है, क्या बोलते हैं, आपस करने वाली बात मत करें, कम से कम इनको वापस और आपस का अंतर नहीं समझ रहा है, उनको क्या पता है अब कितना दिन रहेंगे डिप्टी सीएम, जानकारी आप लोग को है ही होगा, बताना क्या है। अब एक साथ ने कह दिया कि एक डिप्टी सीएम हमारे समय के बारे में बोले, पता नहीं कदम लालू प्रसाद जी के 90 के बाद आरक्षण के दायरों में कितनी बढ़ोतरी हुई है ST SC OBC में, इनको इतना ककारे का ज्ञान नहीं है। हमारे ही स्कूल के विद्यार्थी रहे हैं, नौपीढ़िया थे, अनमैच्योर्ड थे, यही पढ़ लिख करके थोड़ा बहुत प्राप्त किए, मंत्री ही बन गए और मुख्य सचेतक भी विरोधी दल के बने, और जब पिता पर हमला हुआ केस मुकदमा का, तो गोड़ पकड़ने की बारी मुख्यमंत्री के यहाँ गया, तब जाकर के गोड़ भी पटके नतमस्तक भी हुए। राष्ट्रीय जनता दल का एक एक सिपाही, एक एक कार्यकर्ता कभी अपने नीतियों से हर तरह की यातनाओं को सह सकता है, झेल सकता है, लेकिन झुक नहीं सकता है। ये राष्ट्रीय जनता दल है। जो लोग पूछ रहे हैं एक राष्ट्रीय ध्वज बदल लेना है नड्डा जी, एक पद एक व्यक्ति रहेगा, कितना दिन हो गया मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष में बुखार छोड़ा करके रखे हुए है ना, इन लोग का क्या, इन लोग का तो एक कंडीशन होता है 6 महीने का, टॉप ऑफ सिस्टम है। अन्य पार्टियों में रोज बदलता है, कभी नीतीश कुमार बन जाते हैं, कभी खुद बन जाते हैं, कभी फिर वापस आ जाते हैं, खतरा महसूस होता है फिर आ जाते हैं। अध्यक्ष का मतलब अस्थायित्व होनी चाहिए, विचार महत्वपूर्ण है, व्यक्ति व्यक्ति का महत्व नहीं होता है, जो व्यक्ति विचारों से लैस होता है। हमारी पार्टी में एकता का, सार्वभौमता का सारे भाव निहित हैं,
सबने ये पार्टी सबका सबको लेकर के चलती है। हम सबकी बात करते हैं। जाति गणना से जिन लोगों को परेशानी हुआ जरा उनको पूछिए, तेजस्वी जी ने एक शब्द कभी कहा, चाहे किसी जाति में अगर गरीब है, ठेला ढोने वाला है, दिहाड़ी मजदूरी करने वाला है, या माथे पर बोझा बिंडा करने वाला है, या पान का दुकान चलाता है, उस गरीबी को नकारा नहीं। किसी जाति में गरीबी हो, लेकिन ठीक कहा हमारे आलोक मेहता जी ने, जिन चीजों पर आप मार करके बैठे हुए हैं, कुंडली मार के बैठे हुए, परेशानी तो होगी। जरा सा दुखते हुए नब्ज पर तेजस्वी जी ने हाथ क्या रखा, पूरी भारतीय जनता पार्टी जदयू में बेचैनी का बेचैनी की गोली खा ली। भाई बताए कौन नहीं जानता, जिन लोगों को जानकारी नहीं है जान ले एक बार। देवगौड़ा जी के समय में 10 साल में होता, पता नहीं किन लोगों को जानकारी है कि ये कहां से लोग राजनीति में कैसे आ गए। हमको कभी कभी तरस आती है कि प्रारंभिक शैक्षणिक कम से कम योग्यता भी रखनी चाहिए कि हमारे दायरे कार्यक्रम के कितने समय होते हैं जाति गणना के। तो गणना का समय जब देवगौड़ा के समय में आदरणीय लालू प्रसाद जी देश के राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष थे, जनता दल के अध्यक्ष थे, उस समय 3 राज्यों में हमारी सरकार थी जनता दल की। देवगौड़ा जी के बाद गुजराल साहब प्राइम मिनिस्टर हुए, देवगौड़ा जी के कार्यकाल में विदेश मंत्री थे गुजराल साहब। जानकारी जिनको नहीं है जानकारी प्राप्त कर ले, उस समय जब हुआ देवगौड़ा जी की सरकार जाने के बाद 2001 में होना था, वाजपेयी जी की सरकार थी क्यों नहीं हुआ, नीतीश कुमार कैबिनेट में थे क्यों नहीं हुआ, फिर 9 के बाद होना था। तो 9 के जब बाद होना था तो आदरणीय लालू प्रसाद जी सत्ता से बाहर होने के बावजूद भी बाहरी समर्थन था यूपीए गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट के अंदर में फिर भी 5,000 करोड़ का बजट बंद करवाया। किसके लिए, जाति गणना के लिए। किसने छिपाया जाति जी, शैक्षणिक आर्थिक सामाजिक स्थितियों का प्रकाशन हुआ, हमारे होम वित्त मंत्री तत्कालीन जेटली साहब देश को बताया, सब लोग को रोंगटे खड़े हो गए, रोमे खड़े हो गए। ये कामन पर्सन दिहाड़ी मजदूर, ये कौन लोग है, ये कौन लोग है जो है भीख मांग के खा रहा है। ये बात अगर सामने खुल करके आई तो लालू प्रसाद जी ने जाति गणना आरक्षण के सवाल पर, हमारा स्टैंड साफ है, नीतीश कुमार जी वाला बात मत करिए, इधर कभी उधर कभी उधर। अच्छा नीतीश कुमार जी के क्या अपमान और क्या अपमान, उनके चमड़ी इतने मोटे हो गए हैं तो उन पर बफैलो का वैक्सीन भी असर नहीं करता है, वो जितना बार भी पलटी मारेगा तो क्या फर्क पड़ेगा, नेटाया हुआ आदमी उसको नेटा दे या उसको नेटा दे, उस पर कोई असर ही नहीं है। तो नीतीश कुमार जी को क्या है, न पलटने में असर है, न झटकने में असर है, न उधर जाने में असर है, न इधर आने में असर है, क्योंकि वो जिस हालात में है बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक ठाक हमारे आलोक मेहता जी ने, हम लोग के जो पुरखे हैं जन नायक कर्पूरी ठाकुर, लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी, आचार्य नरेंद्र देव, मधुलिमी, आदरणीय जगदेव बाबू जिसकी चर्चा होने की, ये सब लोग कौन लोग हैं भाई। उसी विचार उसी सिद्धांत उसी आइडियोलॉजी को लेकर के आदरणीय लालू प्रसाद जी ने 90 के पहले और 90 की बात की चर्चा करेंगे बाद हम लोग कर लेंगे। तो तेजस्वी जी का कार्यक्रम 10 तारीख से लग रहा है और ये फेस्टिवल के बाद दूसरे चरणों का कार्यक्रम का हम लोग फिर एक बार घोषणा करेंगे, क्योंकि हम लोग पूरे तौर पर एक एक चीजों का पार्टी मुख्यालय तेजस्वी जी के मार्गदर्शन में नेतृत्व में काम कर रही है, एक एक बिंदु पर हम लोग देख रहे हैं, पार्टी देख रही है, जो पार्टी का निर्णय होता है उसी निर्णय के आलोक में तेजस्वी जी के कार्यक्रम लगे। तो पहली पड़ाव पहला शुरुआत हो रहा है 10 से लेकर के चलेंगे, फिर हम लोग वापस आएंगे, फिर फेस्टिवल के बाद फिर पार्टी तैयार करेगी और कंटिन्यू जिलों में उसके आधार पर दूसरे चरण की फिर हम लोग घोषणा करेंगे। अभी तो लगातार कार्यक्रम में है, देखिए शहीद जगदेव प्रसाद जी वाला, ये बड़ा कार्यक्रम है ना, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा जातिवाद है, 100 में 90 शोषित है ही है और 90 भाग हमारा है। तो जब है ही हमारा है, शोषित हम है, तो अपने हक की बात नहीं करेंगे। इसमें जाति है, जाति है तो बताओ कोई किनको दर्द हो रहा है। अप्रत्यक्ष तौर पर जिनको लगता है कि हम जो अपना एकाधिपत्य बनाए बैठे हैं कुंडली मार कर करके सत्ता के संसाधनों पर, वो तुरंत हिल जाते हैं कि मेरे सिंहासन डोलने वाले तो नहीं है।
जातिवादी सब जाति करे। कल तो हमारी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय जी ने सब कहा जाति पूछ के शादी करोगे, जाति पूछ करके भिक्षा लोगे, जाति के नाम पर काम करोगे, जाति नाम रखोगे, सरनेम रखोगे जाति का, और जब हम जाति गिनने कहेंगे तो हम जातिवाद हो जाएंगे। पार्लियामेंट में जाति गिनाओगे मंत्री का, लेकिन हम जाति गणना कहेंगे तो तकलीफ हो जाएगी। सवाल वो नहीं है, सवाल है कि आखिर एक बार एक सरा होना चाहिए। जब पूरे शरीर में कहीं कोई वीकनेस है, कमजोरी है, कोई भी अंग कोई भी ऑर्गन में कोई दिखते हैं तो एक बार फुल उसका सीटी स्कैन हो जाता है, कहां दिक्कत है। तो क्या सीटी स्कैन ही तो है जाति आधारित गणना, एक बार होने दीजिए। और जैसा लगता है कि जिन वर्गों में शैक्षणिक आर्थिक सामाजिक रोजी रोजगार बेरोजगारी सबका एक बार आकलन हो जाए, भूमिहीनता का भी आकलन हो जाए, कौन लोग हैं लैंडलेस लोग हैं, कौन लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, सबका आकलन हो जाएगा। उसी आंदोलन को खंड खंड में देख रहे हैं, जगदेव भी उसी आंदोलन की बात किए हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी उसी आंदोलन की बात किए हैं। कर्पूरी ठाकुर जी का जो लोग नाम ले रहे हैं, मैं ईमानदारी से दो टुक शब्दों में पत्रकार साथियों का देना चाहता हूं, वही नीतीश कुमार है जननायक कर्पूरी ठाकुर के आरक्षण के खिलाफ इनके अखबारों में लेख आए थे। आप लोग को इस बात का पता कर लीजिएगा कि कितने लोग आरक्षण के समर्थक रहे हैं। इसलिए भी बातों की चर्चा नहीं करेंगे। पहला फेज का कार्यक्रम घोषणा हम लोग पार्टी के द्वारा लिया गया निर्णय के आलोक में, और दूसरा चरण दशहरा के बाद, ये बात आप नोट करो। और 5 सितंबर को 11 बजे, 5 सितंबर को 11 बजे से आइएगा। बड़ा कार्यक्रम संसोपा ने किया है वादा, न 100 से कम न 1000 से ज्यादा। कबीर ने कहा साई इतना दीजिए, जा में कुटुम समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। सब समाजवादी विचारधारा है। धन्यवाद।